नमस्कार। कोविड-19 महामारी का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। हम में से कई लोग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी और अज्ञात खतरों का सामना कर रहे हैं। इस समय डर, चिंता और तनाव का होना सामान्य प्रतिक्रिया है। कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए सामाजिक दूरी जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य क्रियाएं आवश्यक हैं, लेकिन उसकी वजह से हम अलग थलग और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। यह अकेलापन तनाव को और बढ़ा सकता है। तनाव के कारण हमारे अंदर भय, क्रोध, चिड़चिड़ापन, उदासी और निराशा की भावनाएं आ सकती हैं। हमारी शारीरिक ऊर्जा, भूख, रुचियों में परिवर्तन हो सकता है। नींद न आना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, पेट की समस्याएं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना और निर्णय लेने में कठिनाई होना, यह सब होने की संभावना हो सकती है। घर से काम करना, अस्थायी बेरोजगारी, बच्चों की होम स्कूलिंग और परिवार के अन्य सदस्यों, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शारीरिक संपर्क की कमी, इन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सवाल यह है कि इस समय हम मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और तनाव को कैसे मैनेज करें। सबसे पहले अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की शुरुआत करें। एक सक्रिय जीवन शैली को अपनाएं, वॉकिंग करें। अगर लॉकडाउन है तो अपने घर में छत पर ही करें। अगर लॉकडाउन नहीं है तो बाहर वॉक करने जाएं। सुबह सुबह सूरज की रोशनी में थोड़ा समय गुजारें। योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें। यह मानसिक और शारीरिक रूप से आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखेगा। रात को सोने और सुबह उठने का एक समय निश्चित रखें। एक दिनचर्या में आए, भरपूर नींद लें, लेकिन जरूरत से ज्यादा न सोए। परिवार के सदस्यों, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ संपर्क में रहें। अपनी परेशानियों को उनके साथ साझा करें। नकारात्मक और तनावपूर्ण समाचार को ज्यादा नहीं पढ़ें, ना ही टीवी पर ज्यादा देखें। नकारात्मक विचार वाले लोगों के साथ ज्यादा समय नहीं गुजारें। अपना खाली समय किसी हॉबी में लगाएं। इन सारी चीजों को अगर आप अपने जीवन में लाते हैं तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योग का नियमित अभ्यास सबसे प्रभावशाली तरीका है। सामान्य आसन, प्राणायाम और ध्यान का नियमित अभ्यास आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। वैसे तो कई अलग अलग योग अभ्यास हैं जो तनाव को दूर करने में मददगार है, लेकिन आगे झुकने वाले योगासन सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। जैसे चेस्ट ओपनिंग या हार्ट ओपनिंग आसन आपके तंत्रिका तंत्र को अर्थात नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं, उसी तरह आगे झुकने वाले योगासन अर्थात फॉरवर्ड बेंड आसन आपके पूरे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कामिंग इफेक्ट पैदा करते हैं, उसको काम करते हैं। साथ ही फॉरवर्ड बेंड आसन हमारे शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं, जिसका उल्लेख मैंने पिछले वीडियो में किया था। आप फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास बैठ करके और खड़े होकर के किसी भी तरह से कर सकते हैं। आज हम फॉरवर्ड बेंडिंग के कुछ आसन करेंगे। फोकस हमारा कैट एंड काउ फ्लो पे और चाइल्ड पोज पे रहेगा और उसके अलावा हम एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। देखिए अभ्यास शुरू करते हैं। कैट एंड काउ फ्लो के लिए तैयार हो जाए इसके लिए आप घुटनों के ऊपर बैठेंगे, घुटनों के ऊपर खड़े होंगे, दोनों हाथों को सामने लाएंगे। आपको करेक्ट मेजरमेंट के लिए क्या करना होगा, दोनों हाथों को दोनों हथेलियों से अपनी केहनी को पकड़े और जमीन पे रखें। अपने दोनों घुटने को अपनी केहनियों में टच करना है तो आप पाएंगे आपके दोनों घुटनों के बीच में गैप आ गया है। अपने फीट को भी अपने घुटनों के लाइन में लाइए। टोस को आप खड़ा रख सकते हैं या फ्लैट रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहीं से आप दोनों हाथों को एक हाथ के दूरी पर लाएंगे, उससे थोड़ा सा और आगे लेके जाएं। ये आपका
करेक्ट पोजीशन है कैट एंड काउ की पोजीशन के लिए। इनिशियल पोजीशन में गर्दन को रिलैक्स रखें, पीठ को न्यूट्रल रखें। यहां से आप सांस लेते हुए थोड़ी को ऊपर उठाएंगे, बैक को आर्च करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए थोड़ी को अपने चेस्ट की तरफ लेके आए और बैक को राउंड करेंगे। इनहेल करते हुए थोड़ी को ऊपर और एक्सेल करते हुए थोड़ी को चेस्ट की तरफ, पीठ को राउंड करें। इसी अभ्यास को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, जैसा आप महसूस करें उसके हिसाब से, और उसके बाद फिर आप पीछे की तरफ बैठेंगे और फिर चाइल्ड पोस्चर के लिए तैयार हो जाए। दोनों घुटने को आपस में जोड़ें, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को जमीन पे लाइए, सिर को जमीन पे लाएं। ध्यान रखें यहाँ पे आप कमर को ऊपर ही उठाएंगे, अपने बटक्स को अपने हील के ऊपर रखें, दोनों बिट्टू आपस में जुड़े रहेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच रखें, एल्बो को जमीन पे ढीला छोड़ दें, थोड़ी देर यहीं पे रुकें। यहाँ पे आप 5 से 6 सांसों के लिए रुक सकते हैं और उसके बाद सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाइए। अगर आपके घुटनों में दर्द हो या एंकल में दर्द हो और आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं चाइल्ड पोस्चर के लिए, तो आप सुखासन में बैठें। आप ऐसे सुखासन में बैठेंगे, लेट मी शो यू फ्रॉम साइड एंगल, और यहां से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथों को जमीन पे लाएं और धीरे धीरे करके फोरहेड को जमीन पे लाने का प्रयास। एक बार फिर से 5 या 6 सांसों के लिए यहाँ पे रुकेंगे और फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। आप बहुत सारे फॉरवर्ड बेंड के वेरिएशन कर सकते हैं, बट मैं आपको सारे वेरिएशन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कई फॉरवर्ड बेंड वेरिएशन जिनको बैक पेन होता है उनके लिए सूटेबल नहीं हुआ है। सो हमें मुझे आपको बताने के पहले जानने की जरूरत है कि आपके लिए कौन सा फॉरवर्ड बेंड सूटेबल है। बट इन जनरल अभी जो मैंने दोनों फॉरवर्ड बेंड दिखाया, चाइल्ड पोस्चर में फॉरवर्ड बेंड और सुखासन में फॉरवर्ड बेंड, वो आप में से हर कोई कर सकता है। अगर बैक पेन है तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाए, आप पीठ को सीधा रखते हुए बस यहां तक झुक सकते हैं, एल्बो को जमीन पे रख करके बाकी लोग पूरा नीचे जा सकते हैं। अब हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज का अभ्यास देखेंगे कि कैसे करना है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के अभ्यास के लिए एक बार फिर से किसी भी सुखद आसन में बैठें। आप चाहे तो चेयर पे बैठें या जमीन में बैठें। उसके बाद अपने राइट वाले हाथ को अपने पेट के ऊपर लाएं, लेफ्ट वाले हाथ को घुटने के ऊपर रखें। चाहे तो लेफ्ट हाथ में कोई मुद्रा अडॉप्ट कर सकते हैं, आई लीव अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हैं। अब उसके बाद आंखों को बंद करें, एक बार अपने पूरे शरीर को चेक करिए कि आप कंफर्टेबल बैठे हुए हैं। आपकी पीठ सीधी है, दोनों कंधों को ढीला छोड़ देंगे, चेहरे को ढीला छोड़ दीजिए। अब ध्यान अपने पेट के ऊपर लेके आए और ऑब्जर्व करें आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है, बड़ा हो रहा है, आपका पेट अंदर जा रहा है। सांस लेते हुए पेट का बड़ा होना, नाभि का बाहर की तरफ आना, सांस छोड़ते हुए पेट का अंदर जाना। थोड़ी देर अगले 5 से 6 राउंड के लिए पेट के बाहर आने और पेट के अंदर जाने को देखें। बाद में अपनी सांसों को अपने पेट के साथ सिंक्रोनाइज करें। सांस लेते हुए आपका पेट बाहर आ रहा है, बड़ा हो रहा है, सांस छोड़ते हुए आपका पेट अंदर जा रहा है। इनहेल,
पेट बाहर की तरफ, एक्सहेल पेट अंदर की तरफ। इस पेट की मूवमेंट को सांसों के साथ अगले 10 से 15 सांसों के लिए देखें और उसके बाद रिलैक्स करें। ध्यान रखें अगर पॉसिबल हो तो अभ्यास के दौरान शरीर को नहीं हिलाएंगे। अगर आपका ध्यान भटक जाए तो वापस से ध्यान अपने पेट पर लाएं और हाथों पर लाएं और पेट की मूवमेंट और सांसों को देखें। दैनिक अभ्यास करना महत्वपूर्ण है, यहां तक कि केवल 10 मिनट के नियमित अभ्यास से भी आपको परिणाम मिलेंगे। ध्यान रखें कि योग का अभ्यास किसी चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं है। अगर आप अस्वस्थ हैं तो पहले किसी डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर के सलाह के बाद ही योगासन का अभ्यास करें। योगासन का अभ्यास की शुरुआत एक प्रशिक्षित शिक्षक की देखरेख में ही शुरू करें। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की शुरुआत करेंगे, योग का अभ्यास जारी रखेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद।